हे लोगन पोल सो कि आपके आने से कुछ फायदा हुआ भी है चैंपियंस ऑफ में ऑलरेडी द रीजन आएम से डाउन की जो रेटिंग आई है वो डिसन मिलियन के नीचे पहुंच चुकी है बट जो पिछले हफ्ते का एवरेज था उससे कम व्यूअरशिप देखने को मिली है नंबर वन रीजन बींगर वॉज नो रोमन रेन्स देर वॉज नॉट इवन कि हाँ यार क्या पता रोमन रेन्स देखने को मिल जाए इतना भी नहीं था बट मार्क माइ वर्ड्स ऑफकोर्स नेक्स्ट वीक की जो स्मैक डाउन होने वाली है वो डेफिनेटली स्पेशल होगी ऊपर से रोमन रेन्स भी देखने को मिलने वाली हैं, तो दैट्स अ बिग डील मे बी इस बार जो 2.1 मिलियन की व्यूअरशिप आई है जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 0.1 मिलियन कम है ऐसे में लेट्स सी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ फायदा हुआ भी या नहीं hey, WWE अब खुद टीज करने लग गई ब्राय व्हाइट को एंड दैट इज बैड जब तक हम टीज कर रहे हैं तब तक के लिए ठीक है बट कम ऑन मैन मतलब हुआ क्या अभी जो WWE का एक लाइव इवेंट हो रहा था किसी तो कंट्री में हो रहा था बड़ा अजीब सा नाम है बेकर्स फील्ड तो आई डोंट नो कि किधर है बट जहाँ पर भी है वहाँ पर लाइव इवेंट हो रहा था और वहाँ पर एक सॉन्ग बजाया गया और उस सॉन्ग का नाम था वाइट रैबिट वेल लेट मी गेस कि वाइट रैबिट हमें कहाँ देखने को मिला था ओह माय गॉड मेरी रिसर्च के दौरान पता चला है वो तो ब्रेव वाइट के पास हुआ करता था हा 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 तो क्या ब्रे वाइट रिटर्न करने वाले वी डोंट नो बट इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कैरिन क्रॉस उनका एक लूचा अंडरग्राउंड के टाइम पे कैरेक्टर हुआ करता था द वाइट रैबिट करके हो सकता है कि ये उस चीज के लिए भी किया होगा बट जो भी है ब्रे वाइट का टीस करने का ये एक भी एक भी निशाना नहीं छोड़ते हैं जहां भी उन्हें मौका मिलता है घुसा ही देते हैं यह मेरे को एक और चीज़ बढ़िया लगी थी क्राउन ज्वेल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद रोमन रेंस ने क्या मस्त चीज बोली थी उन्होंने फ्लोइड मे वेदर के बारे में बताया था कि किस तरह से वो फ्लॉयड मैदर फ्लोइड मे वेदर के बारे में बात करे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं उसको स्पियर नहीं बल्कि सुपरमैन पंच से हराने वाला हूं मैं उस बंदे का जबड़ा तोड़ दूंगा और उसको अनहैप्पी सेंड कर दूंगा बैक टू अमेरिका तो यस मेरे हिसाब से सुपरमैन पंच सेंस इसीलिए बन, बनाता है बिकॉज लोगन पॉल इज ब्रैगिंग अबाउट हिज बॉक्सिंग एबिलिटीज मे वेदर को हराया विद द तो हाँ इस मैच को पंच से ही एंड किया जाए ट कितना डिससेटिस्फेक्शन वाली चीज होगी ना कि सुपरमैन पंच से बंदा हार गया हाउ एवर इट डू मेक सेंस क्योंकि एक यूट्यूबर सेलिब्रिटी है और एक रेसलर है तो ऐसे में सुपरमैन पंच से एटलीस्ट एक तो बंदा निकलेगा जो कि लाइक बड़े सीन में सुपरमैन पंच से हारा होगा और सो यार इजिकल बेचारे उसकी तो वाटे लगा दी इजिकल का पता क्या चल रहा है कि जो रॉस्टर था उसमें से इजीकियल को कर दिया है गायब यानी कि अब हमें मोस्ट प्रोबेबली एलायस ही वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि इजिकल थोड़ा बहुत लोग

ने लिखा है कि ब्लडलाइन विल बीट दुअर लोगन एंड क्राउड फॉर वेल मेरे को लगता है कि ऐसा होता पर क्या पॉसिबल है सऊदी अरेबिया वाले उसको बेबी फेस की तरह करें और उसको बेबी फेस वाला ही रिएक्शन देर इस बिग चांस जो अमेरिका की ऑडियंस में देखने को मिलता है वो सऊदी अरेबिया में देखने को ना मिले तो जरूरी नहीं है कि हम इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे कम ऑन मैन लोगन पॉल ने हमारा क्या बिगाड़ा है मिस्टर <laughs> क्लिफ ने लिखा है कि नाउ माई ड्रीम मैच इज लोगन वर्सेस ब्रॉन अ ट्रेन वर्सेस अ टेबल <laughs> भाई अभी लॉग इन पोल ने देखा था जिस तरह से उसने टेबल बोल दिया था अपने आप को तो उसके बाद उसने खुद पछताया कि यार क्या बोल दिया इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी भी डाल ली थी कि Did I just जस्ट कॉल a table और फिर मीम भी शेयर किया था जिसमें वो अपने आप को टेबल दिखा रहे थे बेसिकली गलत मेरे हिसाब से गलत ही बोला बिकॉज उन्होंने कहा कि आई एम द टेबल मीन रोमन रेन्स का डायलॉग है ही इज हेड ऑफ द टेबल बेसिकली लोगन पोल के हैड हो गए तो मेरे को नहीं लगता पोल को यह कहना चाहिए पता नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी आई गेस वेन इट कम्स टू टेबल नो बड़ी कैन सेनी थिंग गुड एक्सेप्ट फॉर द डीज के टेबल क्रिकेट चैटर ने लिखा कि डब्लबू दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज बिग फॉर बिग मैचेस एंड ये मैं भी सोच रहा था कि क्यों नहीं करती है इनफैक्ट यहां से बहुत चीजें देखने को मिल सकती और एक तो पता है क्या जो ये केफेब का खत्म ही हो चुका है ना एटलीस्ट उससे रियलिज्म तो देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत मतलब जो बाहर की ऑडियंस है जिसको अभी इतना नहीं पता उसको और भी ज्यादा लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ फील है एटलीस्ट पेपर व्यू या फिर बड़े पेपर व्यू या फिर बड़े मैचेस के लिए तो इनको करना ही चाहिए जैसे रोमन और लोगन के लिए कर रहे हैं भले पूरे क्राउन जेल के न ना करें लेकिन उस मेन इवेंट के लिए कर रहे हैं भले पूरे एक्सट्रीम रूल्स के लिए ना करें लेकिन उस

तो मेरे को नहीं लगता कि ये पहली बार है और आई डोंट नो मैन ये भी मैंने कमेंट इसी ले लिया ताकि अगर एक दो लोग मान भी रहोगे इस चीज को तो उस चीज को बताने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है अगर कोई कॉपी कर रहा है देन दैट इज डेफिनेटली नॉट डब डबी करण इसरानी ने लिखा कि ब्रॉड डिड यू रियलाइज एवरी इन ब्लड लाइन गेट देयर लेफ्ट हैंड अप अपल सेमी गेट देयर राइट हैंड अप इफ इट हैंडअपीन्स ही इज द वन ओ इट मींस ही इज द वन जो कि राइट हैंड से धोता है यही ना अच्छा नहीं नहीं ओ अच्छा समझ गया मतलब ही इज द वन जो कि धोखा देगा भाई इतनी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती नहीं जब कोई ऐसे बंदे निकालते हैं ना भाई तब मजा आता कि हाँ ये हुई ना बात क्योंकि लेफ्ट हैंड जब सब उठा रहे भाई तुम किस हक से राइट हैंड उठा रहे हो एक बार सोलो सिकुआ को क्या जितवा दे तो इतना बौखला रहे हो भाई आपकी बात में पॉइंट है मेरे हिसाब से लेकिन यार मैं नहीं चाहता सही में बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि अभी ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो जिस तरह का आज मैंने स्वैग देखा था आई वॉन्ट कि दो तीन बंदे और ज्वाइन हो एटलीस्ट दस के ऊपर बंदे जाएंगे तब मजा आएगा फैक्शन के अंदर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिखकर बताना कि अगली स्मैकडाउन में रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में कुछ होगा या फिर बीच में कैरन क्रॉस आ जाएगा दिमाग खराब कॉमेंट्स में लिखो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो